हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और आज हम लोग वापस से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। तो फटाफट से चलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू पर, और रात भी होने वाली है, क्रीपर वीपर ना आए। तो फटाफट से चलो फर्स्ट पर्सन व्यू पर, और चलो भाई दौड़ो 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 दौड़ो, किसी भी घर में दौड़ो आज तो। दौड़ 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 दौड़, इसको बंद करो। वेक विलेजर खुद सो जाओ। हाँ ठीक है, सो गया मैं। और तो गाइस, आज के एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ अपने लिए घर। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे होने वाली है वीडियो। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे को आज एक घर बनाना है, और मेरे को ना शीप इन सबका फार्म बनाना है। लाइक मैं फेंस फेंस कर कर इन लोगों को एक उसमें रखूँगा, और उससे फिर मतलब उनको ब्रीड व्रीड करा कर खाना निकालेंगे। ठीक है, ये तो मैं ले लेता कुछ कॉबलस्टोन, 3 स्टैक बहुत होंगे मेरे ख्याल से। और मेरे वाटर बकेट इसकी जगह मैं रख लेता हूँ। और चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपना घर। तो कहाँ बनाएगा इस, मैं तो अभी आज नॉर्मली घर बनाने वाला हूँ। तो अभी तो लाइक छोटा मोटा सा घर बनाऊँगा, आप आगे बताना कि कैसा घर बनाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को बनानी पड़ेगी टॉर्चेस, कोल स्टिक है लेकिन कोल नहीं है, तो कोल लेकर आता हूँ मैं। मेरे लास्ट टाइम माइनिंग पर गए थे, हमें बहुत कम कोल मिला था, बहुत कम। रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम कोल मिला था हमें। अरे इन्वेंट्री में ही है यार, मैं इतना मेहनत कर कर आया, वैसे मेहनत तो नहीं लगी है लेकिन फिर भी यार। टॉर्च बना लेता हूँ मैं, 32 ठीक है। ठीक है चलो, मैं शुरू करता हूँ घर बनाना। तो सबसे पहले तो देखो, मैं ऐसे प्लेन सी जगह पर नहीं बनाने वाला, तो मतलब ऐसी प्लेन जगह पर बनाने वाला हूँ। तो कोई प्लेन जगह ढूंढते हैं अच्छी सी, केव के अंदर तो नहीं जाऊँगा, या केव के पास ही बनाते हैं। ठीक है, वैसे एक चीज़ बताओ, कोई भी है ना अच्छे से प्लेन जगह तो है नहीं, तो मेरे को खुद से प्लेन करना पड़ेगा। तो चलो लगते हैं काम पर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं बनाऊँगा अपना बेस, तो थोड़ी सी डर्ट ब्लॉक भी निकाल लेता हूँ। और चलो ये डर्ट निकाल ली मैंने, चलो और इस पर और ऐसा मतलब मैं ना प्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है चलो, ये ऐसे करके प्लेन कर देता हूँ मैं। और जो ऐसे निकल रही मतलब टूट रही है ना गलती से, उसको लगाते रहेंगे ताकि ज़्यादा वो ना हो जाए, मतलब घटिया सा दिखता है फिर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना एरिया ठीक रहेगा, और इसको लगा देता हूँ। अरे पानी नहीं लगाना, हाँ ठीक है, अब मेरे को पानी ही लगाना है क्योंकि ये घास देख रहे हो ना, इसको हटाने के लिए। और प्लीज़ थोड़ी सी सीड्स भी मिल गई है हमें, ये भी अच्छी बात है। थोड़ी सी तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मिली है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं पूरे, ठीक है, ऐसे ही ना हटाता जाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी ये भी हटा देता हूँ क्योंकि भाई हमें पूरी घास हटानी है। अरे यार मैं कहाँ लगा रहा हूँ पानी। हाँ ठीक है, ओके ले लिया। ठीक है, तो ये अभी तो ऐसा दिख रहा है हमारा, और ठीक है इतने ठीक है जगह। और पता है सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 10x10 की बाउंड्री बनाने वाला हूँ। कितने हो गए मैं गिन भी नहीं रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस तरफ 10 करेंगे, एक मतलब ये 3 हो गया क्योंकि ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 10 इस तरफ, मतलब ऐसे बनाने वाले। ठीक है मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9x9 को बना दिया क्या गलती से, रुको रुको, 1 2 3 4 5 5 और 6 7 8 9 10, सही है सही है सही है, ऐसे कर करना।
मेरे को अपना येलो वाला बेड भी लाना है वहाँ से। मैं वाइट बेड रख कर कर रहा था वो काम, मतलब मेरे पास अभी कोई बेड ही नहीं है, सीधी बात बताओ तो। और अभी मैंने इसका गेट नहीं बनाया, वो तो अभी पता है, मैं अभी मैं बनाऊंगा वो गेट। अभी तो शुरू हुआ है ना गाइस, देखो अभी प्लेन घर बना रहा हूँ। आप जगह भी बताना, जगह आप बता दोगे थोड़ी सी तो वहाँ पर बनाएंगे, अभी तो नॉर्मल सा घर है, अभी बाद में अच्छा सा बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी एंट्रेंस भी बनानी है, और थोड़ा सा मेरे को ना वो चाहिए होगा, देखो कोबल स्टोन, और नहीं ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ मेरा क्या प्लान है, ठीक है। ये कोबल स्टोन है ना, इसको ऐसे 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 लगाऊंगा, नीचे से डर्ट नहीं होगी, नीचे मेरी कोबल स्टोन होगी, ठीक है। अरे यार गलत जगह लगा दिया मैंने, मेरे को एक नई पिकेक्स भी बनानी है, चलो ठीक है। और नीचे कूद जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लगा लगा कर ना पूरा कर देंगे हम कंप्लीट। और मेरे पास एक स्टैक और है ना, हाँ ठीक है, माइनिंग से 5 स्टैक मिले थे, लेकिन भाई इतने से कर दे मैं 2 स्टैक लग गए। सोचो अभी मैं सोच रहा था कि इससे फार्म बना दूंगा, कुछ फार्म नहीं बनता पता है, इतने में 1 स्टैक लग गया यार। अरे बिल्ली आ गई गाइस, मतलब मेरे घर में बिल्ली आई है गाइस, सब नमस्ते करो, नमस्ते बिल्ली रानी, ठीक है। तो इस घर को कंप्लीट करने के बाद मेरे को ना वो मतलब फार्म भी बनाना है शीप का, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्टेंट है शीप का फार्म बनाना। और इसको तोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज हो सकता है बिल्ली रानी बस देखने आई है और अभी चली जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ तो बहुत सारी बिल्ली हैं, और मेरे को ना फीड चाहिए होगा इसको, वो करना है, वो तो अभी हम देखेंगे, वो ले आऊँगा मैं अभी। तो मेरे पास देखोगे ना हेबेल पड़ी है, लेकिन पहले अपना घर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे। और बैरीज ले लेता हूँ, डैमेज पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं हम। मेरी चेस्ट कहाँ थी, मेरे को अपने चेस्ट के पास आना है, वो हो रही है मेरी चेस्ट, ठीक है। तो मेरे को दे दो बहुत सारे कॉबल स्टोन, जितने सब दे दो भाई, पता चल गया मेरे को कितना सारा कॉबल स्टोन एक घर बनाने में लग जाता है, ठीक है। तो चलो घर बनाते हैं फिर। ये सोने जा रहा है क्या? नहीं सोने नहीं जा रहा, मेरे को लगा रात, ये बड़ी जल्दी सोने जा रहा है, लेकिन ठीक है। मेरा घर तो अभी थोड़ा बहुत कंप्लीट है, और मेरे को टॉर्चेस लगानी होगी सबसे पहले मेरे घर में, क्योंकि टॉर्चेस के वरना मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो साइड एक साइड साइड में लगा देता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी टॉर्चेस, और अभी मतलब बीच में भी 2-3 लगा दूंगा मैं। और गाइस आप ना कमेंट में प्लीज़ बताना कि क्या करना है। अच्छा गाइस, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, तो आप में से किसी 2 लोगों को मैं आप गिफ्ट देने वाला हूँ एक, तो हो सकता है आप हो तो उसमें से आप भी आ सकते हो। तो लाइक करो मेरे चैनल को, और लाइक करो मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट करो, जिससे मैं आप में से किसी 2 को दूंगा एक गिफ्ट। तो ये तो हो गया, अब मेरे को ना एक एक और ऊपर ले जाना है इसको, ठीक है, और उसके बाद मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रूफ बनानी है मेरे को, और बस। और गाइस इसको ना अपग्रेड करते रहेंगे, लाइक इसके ऊपर एक और फ्लोर, इसको ऊपर एक और फ्लोर, ऐसे करकर हम अपग्रेड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो आप बताते रहना कि क्या क्या कब अपग्रेड करना है, तो फिर मैं उस हिसाब से करूँगा। तो लेट्स गो, बनाना शुरू करता हूँ मैं, मतलब ख़त्म करता हूँ बनाना अब, क्योंकि अब तो ख़त्म ही है बस। और मैं पता है अपने गेट के एंट्रेंस कहाँ से रखूँगा, यहाँ से, नहीं नहीं रुको बीच का ढूँढेंगे, नहीं नहीं मैं यहाँ से रखने वाला हूँ अपने गेट के एंट्रेंस, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, इसको एक ऊपर करना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम अपना अंदर आएंगे, यहाँ पर एक गेट लगा दूंगा, और बाकी अब रूफ टॉप कंप्लीट करते हैं, रूफ को, ठीक है, रूफ को कंप्लीट करता हूँ मैं, ठीक है चलो, ठीक है। और मैं अभी खाना भी खा लेता हूँ, अंधेरा लग रहा है क्या ज़्यादा गाइस, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो लगाना शुरू करता हूँ मैं ऊपर थी, मैं इससे बढ़िया ना एक काम करता हूँ, रुको मैं ना ऊपर ही जाले जाता हूँ, ऊपर से सही से लगा पाऊँगा।
ठीक है। तो अभी तो मैं रूफ टॉप पर आ चुका हूँ और ठीक है लग गया। और मैं ना ऐसे ही लगाता जाता हूँ जिससे अच्छे से वो बन जाएगा मेरा घर। और ऐसे एक एक कर मेरे को लगा एंडरमैन आ गया, लेकिन वो वॉन्ड्रिंग ट्रेडर था, ट्रेडर ठीक है। तो गाइस आज ना मैं शीप का ही बनाने वाला हूँ, मतलब ये शीप का ऐसे फार्म। आप बताना कि और किस किस का बनाना है। और मैं ना अपना पहले वहाँ से बेड लेकर आऊँ। गाइस अपने बेड पर सोएंगे, किसी के बेड पर नहीं सोना, अपने बेड पर सोना है। और ये ले लेता हूँ और बड़ा डैमेज करते हैं भाई। वो दो शीप है भाई यहाँ पर। खाना खाओ यश, डरने की कोई बात नहीं है, खाना खाओ, जो आएगा देख लूँगा। अच्छे से काम, हाँ ठीक है। चलो भाई अब अंदर चलते हैं। हेलो हेलो भाई, मेरे बेड पर सो रहा, बड़ा आया मेरे बेड पर सोने वाला। चल भाई मेरा बेड और मेरे बेड पर सोएगा, हट ठीक है। हाँ नहीं तो आया बड़ा बेड पर सोने वाला। लगी आयरन गोलम को मत बुला यू देख, वरना वो तेरा उसको भी मार देंगे। और मैंने शिप को मार दिया, शिट यार। इनको मैं वो कर सकता था, ब्रीड करवा कर आउट कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम करेंगे क्योंकि अभी तो ज़रूरी नहीं है। एक तो मैं अपने कॉबलस्टोन सही में वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वैसे मेरे पास है ही इतने, वेस्ट तो होंगे ना गाइस। इसको वेस्टिंग नहीं कहते, इसको डिज़ाइन कहते हैं, डिज़ाइन ठीक है, इसको डिज़ाइन कहते हैं ठीक है। इसी बात पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी करो, अब भी करो। और हाँ मेरे को नहीं पता, अब भी करो ठीक है। चलो ये भी डन। और मेरे को ना रूफ टॉप पर भी थोड़ी बहुत लाइटिंग करनी है। और ये आपको पता है ना मैंने किस लिए लगाए हैं, यस ये डिज़ाइन है, बस मेरे को एक चीज़ देखनी है, मैंने सीधे लगाए हैं ना ये, इधर लगना था ये इधर, और एक इधर लगेगा तो जस्ट एक उसके सामने आता हुआ इधर लगेगा मेरे ख्याल से, इस तरफ लगेगा। सॉरी सॉरी गलत लगा दिया था, गलत थोड़ा सा होता है कई बार। और इसको तोड़ देता हूँ, और इसको तोड़ देता हूँ, इसको नहीं इसके आगे वाले को, डन। और मैं ना इनके ऊपर अब टॉर्च लगा देता हूँ ठीक है। और अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ होती है कि मेरे को दूर जाना है, तो मैं ना एक बहुत बड़ा, जितना ये एक स्टैक ब्लॉक है ना, इतना बड़ा एक टावर बनाने वाले हूँ। लेकिन रुको गाइस, क्लच कैसे करूँ देखते हैं, क्या मैं यहाँ से क्लच कर पाऊँगा। लेट्स गो क्लच। ओ भाई मेरा पानी गिर गया, मतलब मैंने वहीं पर लगा दिया और मेरी टॉर्च गई। कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले तो मेरे को ना अपने बेड से रिस्पॉन पॉइंट सेट करना पड़ेगा। और मेरे को देखने दो, अंधेरा है तो नहीं। नहीं गाइस देखो ठीक है ना, इसको तोड़ देता हूँ मैं सबसे पहले तो ठीक है। और मेरा बेड था ना उसको लगा देता हूँ और रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ ठीक है। बेड इज़ टू फार, ठीक है भाई अभी मैं गलती कर देता ठीक है। अब मैं जितना मैंने बोला था ना उतना ऊपर जाने वाला हूँ मैं डर्ट लगाने वाला हूँ इस बार गैस। देखो अब मैं पता है क्या करने वाला हूँ, जो मैंने कॉबलस्टोन का टावर बनाया ना उसको तोड़ दूंगा और डर्ट का टावर बनाऊंगा, क्योंकि यार मैं सही में बहुत ज़्यादा कॉबलस्टोन वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ना पहले इसको तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरी पिकक्स ना टूट जाए बस इसके चक्कर में, फिर तो मेरे को एक नई पिकक्स बनानी पड़ेगी जो कि मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। और मैं इसको पहले तोड़ लेता हूँ, ज़्यादा वैसे ऊपर गया नहीं था मैं। चलो अब ये कॉबलस्टोन तो नहीं लगाऊंगा मैं, चलो भाई लेट्स गो। जब पहुंच भी गया, चलो ये पूरा 51 ब्लॉक ऊपर जाऊंगा और वहां से क्लच करूंगा, क्या बोलते हो गाइस, मस्त होगा ना, इतना तगड़ा क्लच करेंगे ना, टेंशन की बात ही नहीं है कोई ठीक है, बहुत तगड़ा क्लच करेंगे। देखते हैं गाइस, अगर क्लच हो गया ना आपको सही में अब तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नहीं हुआ तब भी कर देना, क्योंकि यार मेहनत तो करी ना, ट्राई तो किया मैंने बहुत सब, लाइक कुछ ज़्यादा ही हाइट लिमिट है। लेट्स गो, मर गया सॉरी। अबे यार
कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है होता रहता है। अबे यार मर गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ट्राई किया तो लाइक कर दो, ट्राई तो किया ना भाई। देखो और ये विलेजर कुछ ना चुरा ले, सबसे पहले उठा लो सब कुछ, ठीक है? क्योंकि कई बार चुरा लेते हैं भाई, इनका कुछ पता नहीं है। सब आ गया ना, शवल ववल सब ले लो। और वहाँ मेरी क्राफ्टिंग टेबल है। अच्छा ब्लैक शीप है, मेरे को सही में लगा ये स्पाइडर है। बग हाँ, नहीं तो भाई कहाँ से आ गए, सही में डर लग गया। इसको बंद करो भाई केव को, मेरे को याद रहेगी। सब कुछ आ चुका है भाई, हेलमेट बूट। भाई मर गया मैं भाई, शील्ड की वजह से मर गया गाइस, दिख नहीं जाता थोड़ा सा ना वो। वैसे मैं बहाने मारने में अच्छा हूँ ना गाइस। नहीं बहाने नहीं मार रहा मैं, ठीक है? सही है, शील्ड की वजह से गिरा हूँ। सही में गाइस शील्ड की वजह से गिरा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। और पता है मैंने इतना ऊंचा टावर किस लिए बना दिया था, कि मैं कहीं दूर भी जाऊँ ना तब भी मेरे को पता चल जाए कि मेरा घर कहाँ है, ठीक है? तो आसान होगा ना इससे ढूंढना अपने घर को। और थोड़ी सी लाइटनिंग, क्योंकि अंधेरा कभी नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है ये सब तो, और अब चलते हैं अपना शीप फार्म बनाने। तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगी वुड, ढेर सारी वुड। तो जितना मेरे को याद है ना, इस यहाँ पर ना मेरे को ना एक शायद दो रूम में चेस्ट मिली थी, और उसमें से एक में सैपलिंग थी। तो अच्छा इसने नहीं मारा, मेरे को लगा मेरे को इसने मारा, अभी मैं इसको बिन मतलब के मार देता। तो एक में ना सैपलिंग थी, वो वाला अब घर मेरे को ढूंढना है। सॉरी और कौन से में थी सैपलिंग यार, इसमें थी क्या? नहीं, इसको तो मैंने लूट लिया था फुल, शायद इसमें से ही आगे किसी ना एक बड़ा सा घर था उसमें थी, मेरे को याद है इसमें थी एक रुइंड पोर्टल। अच्छा रुइंड पोर्टल के पास था जो, मेरे को सबसे पहले तो रुइंड पोर्टल के पास जाना पड़ेगा उसके लिए। रुइंड पोर्टल उस तरफ था, ठीक है? तो रुइंड पोर्टल से मैं इस तरफ वहाँ आया था, शायद ये वाला घर था, ये वाला, हाँ यही है शायद। इस यहाँ पर एक चर्च थी, उसके अंदर सैपलिंग थी। तो मैं पता सैपलिंग किस लिए ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं इतना दूर दूर नहीं जा रहा रोज़ ही रोज़ पेड़ काटने के लिए। तो पांच सैपलिंग है तो ले लेते हैं गाइस, चलो। और इनको लगा दूंगा ताकि यहाँ पर एक वो बन जाए ना पेड़ का, जिससे अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो फटाफट से ना सारी सैपलिंग लगा देता हूँ मैं। तो ये रही मेरी सैपलिंग्स। तो फर्स्ट मैं अपने घर के उस साइड लगाऊंगा इस तरफ, और एक लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है? या नहीं नहीं गलत जगह लगा दी मैंने थोड़ी सी, सॉरी। और मैं एक लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? और एक बैक साइड में लगा देता हूँ यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर, चलो। और एक और बचा हुआ है, उसको कहाँ लगाएं? इसको यहाँ पर, ठीक है गाइस? ऐसे सैपलिंग लगा दी मैंने। और आपको पता है कि मैं वुड का इंतज़ाम कहाँ से करने वाला हूँ गाइस? मैं फ्री में लोगों के घर को मॉडिफाइड करता हूँ, ठीक है? तो वुड का इंतज़ाम तो यहीं से करेंगे, तो लेट्स गो। और मैं वुड इसलिए भी ले रहा हूँ ताकि, अरे हट जा यार लग जाएगी, ठीक है? मैं वुड इसलिए भी ले रहा हूँ ताकि मैं अपने घर का दरवाज़ा बना सकूँ। और लेकिन मैं घर के मतलब लोगों के घर को मॉडिफाइड करता हूँ, ठीक है? इसका भी घर यूनिक बना देंगे गाइस, ठीक है? और बाकी सबका तो घर यूनिक है ही, ठीक है? ठीक है चलो, ये हो गई बहुत सारी वुड। और मैं इसके प्लैंक्स बनाना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितने बनते हैं गाइस, देखते हैं कितने बनते हैं। एक स्टैक हो चुका है गाइस, लेट्स गो। और मेरी क्राफ्टिंग टेबल का है, ये इस क्राफ्टिंग टेबल। और मेरे को तो सबसे पहले तो एक दरवाज़ा बनाना है, तो दरवाज़ा दरवाज़ा ये बन गया मेरा एक दरवाज़ा। ये तीन बनते हैं भाई एक साथ, इतना गुस्सा आता है ना मेरे को तीन जब बनते हैं एक साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे को पता है क्या चाहिए मेन, ये ठीक है?
मेरे को चाहिए ये 20, ठीक है, और एक गेट, डन। चलो गाइस, तो ये इतना काफ़ी होगा और इसके घर को मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है। हम यार इसका घर ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे इसका घर अच्छा लग रहा है ना। हाँ, इसका घर देखो हमने क्या मॉडिफाइड कर दिया गाइस, बेस्ट घर एवर, ठीक है। चलो भाई वुड तोड़कर कुछ नहीं लगाया, बोला मैंने सही कर दिया भाई, लेजर बहुत गुस्सा होगा लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। आयरन गोलम को बुलाएगा, इसका भरता तो हम बना दूंगा भाई, हम कमज़ोर है, हम कमज़ोर नहीं है भाई, भाई इतना भरता बनाएंगे ना, इसका टेंशन की बात नहीं है। और फेंस गेट, मतलब फेंस एरा और गेट एरा फेंस का, तो मैं ना बना देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर, नहीं यहाँ पर पेड़ उग रहा है यार, मेरे को सबसे पहले तो अपने घर में जाना है सोने के लिए, बिकॉज क्रीपर आ गए तो गड़बड़ हो सकती है, तो बी सेफ, अपने घर में चलेंगे और सो जाएंगे। मेरे वैसे घर पे कोई आएगा तो नहीं ना, लाइक मतलब मैं बात कर रहा हूँ विलेजर की, सोने के लिए तो नहीं आएगा ना कोई विलेजर, बस फिर तो ठीक है। अरे मैंने गलती से एक फेंस लगा दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, उसको तोड़ लेंगे। और भाई जल्दी रात हो जा, मेरे को इतना ग्लास पेन भी लगाना होगा अपने लिए। अरे भाई क्या हो रहा है, रात हुई नहीं क्या अभी, हो गई। चलो फाइनली गाइस रात हो चुकी है और मैं सो जाता हूँ, और अब कंप्लीट करते हैं हम थोड़ा सा इसको, अपने फार्म को, तो लगते हैं फिर काम पे। और क्रीपर कुछ तो नहीं है ना, वैसे मेरे यार मेरे को ना एक कैट टेम कर लेनी चाहिए, पता है क्यों, क्रीपर से तो बचेंगे कम से कम, ठीक है। तो मैं बनाने वाला हूँ किसी ऐसी जगह पर जो प्लेन हो अच्छी खासी, ठीक है यार, ये तो ठीक ठाक प्लेन है यार, जहाँ पर अपने चेस्ट के पास बनाते, ठीक है। एक दो, अरे क्या लगा रहा हूँ मैं, ठीक है इसको तोड़ देता हूँ मैं। चलो एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है गाइस हम। और कंप्लीट करने के बाद फिर ख़त्म करेंगे इस काम को, और पहले तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। चलो ये मेरे ख्याल से तो बन जाएगा, इतने फैंस से नहीं बना तो दिक्कत हो सकती है। और ओके गाइस, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा ही रह रहे हैं, और एक ये लगाना है, और ये गाइस देखो ये तो कम पड़ गया हमारे लिए, लेकिन तो यार ये तो बड़ी गलत बात है ना गाइस, कोई बात नहीं। लेकिन तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि इस फार्म को तो कल कंप्लीट मैं कर ही दूंगा, क्योंकि ज़्यादा तो चाहिए नहीं, मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।